नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा YouTube चैनल गार्डनिंग इज माय पैशन का हिंदी भर्सन। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जरबेरा की केयरिंग कैसे, इसकी रिपोर्टिंग करें, कैसे इसके एक्चुअल सॉइल मिक्स हो, कैसे इसका केयर करें कि साल भर आप इसमें फूल ले सकें। जरबेरा एक ऐसा पौधा है, पेरेनियल पौधा है, सालों साल चलता है। एक गमले में एक बार अगर उगा देंगे आप तो उसमें से पप्स निकलते रहते हैं चारों ओर से, और उसको डिवाइड कर करके आप उससे सैकड़ों पौधे उगा सकते हैं। और एक साल में एक पौधा लाएंगे तो अगले साल आप कम से कम 15-20 पौधे उसमें से बना पाएंगे, और सारी साल इसमें फूल खिलता है। और ये मैं सर्दी के टाइम में इस टाइम बहुत अच्छा खिलता है, और ये रिपोर्टिंग की आइडियल टाइम है। तो तीन बातों के मैं आपको बात बताऊँगा। तीन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो एक भी जरबेरा किसी भी तरह का पौधा किसी भी तरह मरेगा नहीं, और उसमें फूल आएंगे ही आएंगे। सिर्फ ये मेरा ध्यान दीजिए, आज आपको ये वीडियो देख लीजिए, अगले टाइम आपको जरबेरा की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो पौधा है जरबेरा, ये साउथ अमेरिका का पौधा, ये नेटिव टू साउथ अमेरिका है, और या फिर आपका अफ्रीका का, सेंट्रल अफ्रीका का पौधा है। ये देखिए पौधा, ये जो मिट्टी के इस तरह के पौधे मिलते हैं आपको जरबेरा के, ये पौधे आपको ये मिट्टी में उगा के नर्सरी वाला इस तरह से बेचते हैं। हालांकि ये टिशू कल्चर का पौधा है, बीज का पौधा भी मिल सकता है। बीज का पौधा मिलेगा तो छोटा पौधा आप ले लीजिए, 25-30 रुपये में आ जाएगा, या फिर इस तरह के टिशू कल्चर के पौधे आप लाएंगे नर्सरी से ख़रीद के, तो आप देखेंगे इसमें कि आप जल्दी से इसमें फूल ले सकेंगे। और इस तरह के देखिए, इस तरह के फूल की स्टिक निकलती है, और सालों साल इसमें से स्टिक निकलती रहती है। ये तो नर्सरी वाले उगा रखे हैं यहाँ पर। हालांकि ये अगर आप चाहें सिर्फ कोको के पिट पर उगाना, कोको पिट में भी उगा सकते हैं, या फिर मैं आपको सबसे आसान सॉइल मिक्स आज बताता हूँ कि आप घर में कैसे उगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तीन टिप्स को मैं बताऊँगा, तीन टिप्स का आप फॉलो कीजिए। ये तो नर्सरी से मैंने खरीदा है, करीब 100 रुपये में यहाँ पर बिकते हैं, और ये मिल जाते हैं 100 रुपये में, 100 या 150 रुपये में। बड़ा पौधा होगा, अच्छा पौधा होगा, तो 150 रुपये में आपको मिल जाएगा। मैं पहले क्या करता हूँ, इसको निकाल के दिखाता हूँ, इसको सॉइल मिक्स क्या कर रखा है नर्सरी वालों ने। हालांकि नर्सरी वालों ने ये जो पौधा है बिल्कुल मोटा करने के लिए, बड़ा करने के लिए इसमें काफ़ी सारे मिट्टी, गलत सामान भर देते हैं, उससे क्या होता है इसमें फंगस लग जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि इसको फंगस से बचाना है, सबसे वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मिट्टी को निकाल लेता हूँ, पहले मैं दिखाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि सॉइल मिक्स एक्चुअली क्या होनी पड़ेगी, कैसे इसको केयर करेंगे। और मेरी कहना मान के अगर आप जरबेरा लगाएंगे तो आपका जरबेरा का पौधा कभी नहीं मरेगा। लोग अक्सर कहते हैं कि उसका जरबेरा का पौधा मर जाता है। ये देखिए पहले क्या था, इसमें से ये लोग इस तरह के जो जरबेरा का है, वेरी ऑयल ड्रेन सॉइल चाहिए। ये जो मिट्टी है हम इसमें से निकाल देते मिट्टी, क्योंकि ये मिट्टी हमारे चलेगी नहीं, और ये एक्सेस मिट्टी देके भारी करके पौधे को बड़ा करके ये लोग बेच देते। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं काला पोषण, ये टिशू कल्चर से बनाया हुआ है, ये टिशू कल्चर से पौधा है, और इसमें ये भर भर के मिट्टी भर के बड़ी करके बेचने की कोशिश करते हैं। तो हम हमारे ये कोई काम की नहीं है। ये देखिए हम इसको कर लेते हैं, इस तरह से आप निकाल लीजिए, और इसको आपको हटाने की ज़रूरत नहीं है, इसको रख के ही आप रिपोर्टिंग करेंगे। रिपोर्टिंग के सॉइल मिक्स बिल्कुल गलत बना रखा है नर्सरी वालों ने, इस तरह की कोई सॉइल मिक्स नहीं बनती है। और ये बेचने के लिए इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फंगस लग जाता है और पौधे मरने का डर रहता है। अब मैं दिखाता हूँ आपको सॉइल मिक्स क्या होनी चाहिए। ये देखिए एक्चुअल जो सॉइल मिक्स है, ये जो गमला है, पहले हम गमला को लेते हैं, इस तरह के आपको 6 या 7 या 8 इंच के गमले ले लीजिए इस तरह का, क्योंकि ये थोड़ा डीप होना चाहिए, ये फ्लैट गमले नहीं, लोग फ्लैट गमले में लगाते हैं, लेकिन इसकी रूट देखिए कहाँ से लेके यहाँ तक 6 इंच तक, तो इसकी रूट चली गई है, तो रूट इसकी काफ़ी नीचे तक जाती है। इस तरह का गमले लेंगे, मिट्टी का गमला लेंगे, तो इस तरह से देखिए टुकड़ा है, गमले का टुकड़ा, ये लेके मैं इस नीचे जो छेद है, इस छेद को मैं, ये जो छेद है इस छेद को मैं इससे बंद कर देता हूँ, और साइड में भी 2 छेद है उसको भी मैं गमले के टुकड़े से बंद कर देता हूँ ताकि मिट्टी बाहर नहीं आए। इसमें पौधे को रखते हैं, तब तक मैं आपको सॉइल मिक्स बताता हूँ क्या क्या सॉइल मिक्स है। इसमें देखिए 50% लेना है आपको वर्मी कंपोस्ट, अच्छी क्वालिटी के वर्मी कंपोस्ट ले 50%, 40% ले आप इसमें मिट्टी, गार्डन सॉइल, जो दोमट मिट्टी होती है अच्छी क्वालिटी की, गार्डन सॉइल 40%, और 10% ले रेत या बजरी या कंस्ट्रक्शन सेंड, ये हो गया टोटल मिक्स। और इसमें आपको क्या क्या मिलाना है ताकि ये बहुत ही ऑयल ड्रेन सॉइल हो, इसमें पानी बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। जरबेरा ऐसा एक पौधा है कि उसमें मॉइस्चर तो चाहिए लेकिन पानी उसमें रुके नहीं। और जरबेरा का ये जो टिप्स है, ये पहला टिप्स है आपका कि मिट्टी कैसे बना रहे हैं, 2 टिप्स और बताऊंगा इसमें और क्या क्या मिलाना है, ये पहले देख लीजिए आप क्या क्या इसमें मिलाना है, ताकि आपका जरबेरा, जरबेरे की जो मिट्टी है काफ़ी रिच सॉइल चाहिए। तो रिच सॉइल मिलाने के बनाने के लिए क्या क्या मिलाना है देख लीजिए। देखिए इसमें हम मिलाते हैं ये बोन मील, ये हॉर्न मील, इस तरह का जो हड्डियों का चूड़ा, और ये होता है इसमें कुछ सींग का चूड़ा होता है, सींग और हड्डियों का चूड़ा होता है, इसको आप मिलाते हैं
दो मुट्ठी, इसमें काफ़ी सारा नाइट्रोजन होगा, कैल्शियम होगा और फॉस्फोरस होगा। ये बहुत कैल्शियम चाहिए और फॉस्फोरस चाहिए इस जरबेरा को, ये हम इसमें मिला देते हैं। और कुछ इसमें हम चाहिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और एंटीफंगल के एजेंट के हिसाब से, एक चम्मच और ये दूसरा चम्मच, दो चम्मच हम मिला रहे हैं नीम की खली। ये हो गया आपका सॉइल मिक्स। और इसमें अगर चाहते हैं आप सुपर फॉस्फेट मिलाना तो आधा चम्मच आप सुपर फॉस्फेट मिला सकते हैं। ये देखिए पौधा मैं निकाल के लाता हूँ। अब क्या करता हूँ मैं इसको, पौधा बिठाने की टेक्निक देखिए आप, पहले क्या करिए आप करीब एक चौथाई आप मिट्टी भर लीजिए गमले का, फिर पॉट को देखिए कैसे मैं खड़ा करके पौधे का रखाता हूँ, चारों तरफ से मिट्टी देता हूँ। ध्यान दीजिए मिट्टी तब तक होगी, ये जो क्राउन पोर्शन है, क्राउन पोर्शन मिट्टी का ऊपर होना चाहिए। ये देखिए दबाने के बाद ये जो क्राउन पोर्शन का हिस्सा है ये माउंट की तरह एकदम ऊपर होना चाहिए, ये मिट्टी का तरफ नीचे दबना नहीं चाहिए। मिट्टी के नीचे दबेगा तो इसमें फंगस का भी अटैक आएगा और इसमें नई स्टूट नहीं निकली। ये देखिए काफ़ी फंगस का अटैक है, ये नर्सरी वाले गलत तरह से इन्होंने लगा रखा है, एक भी फंगस नहीं आएगा, एक भी फंगस का छींटा नहीं मिलना चाहिए आपको पौधे में। और ये देखिए मैंने कर रखा है, ये पौधे के एक्चुअल सेटिंग देखिए, इसमें कहीं पर भी ये जो क्राउन पोर्शन है बिल्कुल मिट्टी का ऊपर होना चाहिए। ये देखिए हमने मिला दिया। अब आपको दो चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, वो है फंगिसाइड का प्रयोग, कैसे इसका फंगिसाइड का प्रयोग करें, क्योंकि ये जो सबसे डर जो है इसमें फंगस का होता है। तो इसमें आप दो तरह का फंगिसाइड देना है, एक तो आपको देना है मिट्टी में जो देना है ये है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये ब्लीटॉक्स के नाम से आता है टाटा का या फिर ब्लू कॉपर के नाम से आता है। इसको आप लेंगे 2 ग्राम पर लीटर में, 2 ग्राम लेंगे इस तरह का, 2 ग्राम लेने के बाद आप 1 लीटर पानी में 2 ग्राम लेके 1 लीटर पानी में डाल के इसको अच्छी तरह से करके आपको देना है ये मिट्टी में। इसको देखिए ये हम मिट्टी में प्रयोग कर रहे हैं, इसका हर हफ्ते आप एक फंगिसाइड का प्रयोग करें। इस हफ्ते आपको अगर मिट्टी में प्रयोग करें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, अगले हफ्ते आप प्रयोग करेंगे सैफ, इस तरह का सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का मिश्रण होता है, ये आप ले सकते हैं 2 ग्राम पर लीटर, या फिर आप 1 ग्राम पर लीटर एमिस्टर ले सकते हैं, ये ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन का कंपाउंड है, या फिर आप हेक्साकोनाजॉल, टेबुकोनाजॉल, डिफेनकोनाजॉल इस तरह का 1 ग्राम या 2 ग्राम पर लीटर लेके एक हफ्ते में एक बार आपको स्प्रे करना है पौधे के ऊपर। यानी कि हफ्ते में एक बार आपको मिट्टी में देना है ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और अगले हफ्ते आपको देना है सैप या एमिस्टर या फिर हेक्साकोनाजॉल, टेबुकोनाजॉल इस टाइप का कंपाउंड 2 ग्राम या 2 ml/L लेके आपको पौधे को चारों तरफ स्प्रे करना है। इससे क्या होगा, इस तरह के जो पौधे हैं ये जो देखिए ये काले काले छीटे छीटे पड़ जाते हैं इस तरह के, देखिए ये फंगस का अटैक है। फंगस का अटैक होगा तो आपका पौधा मरेगा ही मरेगा, तो आपको फंगस से बिल्कुल बचाना है, हर हफ्ते आपको कोई ना कोई फंगिसाइड आपको स्प्रे करना ही है। और जो तीसरी बात है, आपको केमिकली यूज करना चाहते हैं तो आपको 19-19-19 या 20-20-20 दो ग्राम प्रति लीटर लेके आपको पौधे में स्प्रे करना है और मिट्टी में डालना है, तब आपका, अगर आप सिर्फ कोकोपीट में भी उगाना चाहें तो वो भी आप उगा सकते हैं। अब बात आती है कि आपका फूल नहीं आ रहा है, तब आपको फूल कैसे लाए, इस तरह का मिराकुलन आता है, इस तरह का कंपाउंड मिराकुलन, ये 2 ml/L लेके इसमें ट्राइकॉन्टान वाले कंपाउंड आता है, ये इसमें फूल आने में आपको सहायता करेगा मिराकुलन 2 ml/L लेके। और फिर भी आप चाहते हैं इसमें कुछ सीवीड एक्स्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, इस तरह का आप देखिए बायोविटा 2 ml/L लेके आप पौधे में मिट्टी में डाल सकते हैं ये बायोविटा। इस तरह ये दो चीज़ प्रयोग करेंगे तो आपको फूल आएगा ही आएगा, एकदम गारंटेड है फूल आएगा, इसमें कोई शक नहीं है कि फूल आना ज़रूरी है। और अगर इसमें इंसेक्ट का अटैक बहुत कम आता है, अगर आपको इंसेक्ट का अटैक आए तो आप इसमें काम करिए, बहुत आसान सस्ता चीज़ है ये, आपको मैं बता देता हूँ। हमला साइपरमेथ्रिन क्लोरोपाइरीफॉस का मिश्रण है, आप हमला 2 ml/L लेके या फिर रोगो टापगोर इस तरह के 2 ml/L लेके आप स्प्रे कर दें
15 दिन में, 20 दिन में, महीने में एक बार, तो आपको इसमें कोई भी कीड़े मकोड़े का अटैक जो है ये नहीं आएगा। तो इतना ध्यान रखिए, ये जो तीन चार बातों में मैंने बताया ये बताएंगे तो आपको जो है आपका ये सालों साल चलते रहेगा। सिर्फ ध्यान रखें बरसात के दिन में बरसात से बचाए, अगर बरसात ज़्यादा होती तो इसमें हमेशा चार दिन पाँच दिन बाद बाद आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का मिट्टी में प्रयोग करते रहे तो इसमें फंगस का अटैक नहीं आएगा। और सॉइल हमेशा ऑयल रन होनी चाहिए। इतनी बातों का ध्यान रखें, आपको सालों साल ये जो है चलता रहेगा, आपका कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, एक भी पत्ता नहीं मरेगा, एक भी पत्ते में फंगस नहीं आएगा। और इसके काफ़ी सारे ब्रांचिंग पाप्स आते रहे और हर साल आप इसको 15-20 पौधे में कन्वर्ट कर सकेंगे। ये रहा पूरा, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गार्डनिंग इज माई पैसन हिंदी भाषा में नया है, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के वीडियो मैं लाता रहता हूँ आपको। इस चैनल में आने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।